निकली बेदन कुछ लगाने लगी है या नलिया बरन छोड़ कर जितना माना हाँ, प्रगतिशील होता गया बाप उतना बढ़ाया चरण छोड़ कर बाहुबली बुद्धिजीवी के बुद्धि तले जागरण फिर भी जलता रहा एक कहानी कहां कबा क्या हुई चकबंदी आना जिले में कुहराम हुआ किसी को दुख मिला या किसी को आराम हुआ राम चौखंबा के दलपत सिंह पानीदार रहे आरा जिला कहानी बाम राम चौखंबा के दलपति जी पानीदार रहे ब्लॉक प्रमुख यो जाति के भूमिहार रहे उसी सरहद पे चक्का पट्टी एक हिरानी राम मूरत यादव प्रधान की प्रधानी थी उसी चक्कापट्टी में हरिजनों की बस्ती है उसी चक्कापट्टी में हरिजनों की बस्ती है हुई बंजर जमीन मालियत में सस्ती है हुई बंजर जमीन मालियत में सस्ती है हुई बंजर जमीन मालियत में सस्ती है जिया बस चौखंबा गांव के रहने वाले प्रमुख जी ओ ब्लॉक ब्लॉक प्रमुख भी रहलनु बाबू दलपत सिंह और वही बगलिये में सरहदवे पर एक चक्कापट्टी गांव रहल जहाँ की ज्यादातर यादवन के बस्ती रहल चक्कापट्टी में ही दक्षिण दक्षिण तरफ के बस्ती हरिजनन के छोटी सा रहल और वही हरिजनन के बस्ती के करीब ही 10 बीघा के लगभग बंजर छूटल रहल मूरत यादव प्रधान का कहना रहल का इस बंजर जमीन को हरिजन को है दिलवाना हरिजन को है दिलवाना हरिजन को है दिलवाना हरिजन को है दिलवाना ऐलान कर दिए ये जमीन जो बंजर है हरिजनों के बस्ती के करीब वो हरिजनों में आवंटित की जाएगी मगर इधर प्रमुख जी का क्या कहना रहल सरहदवे पर रहल रहल चक्कापट्टी गांव में बाकी ग्राम चौखंबा के होते हुए भी बाबू दलपत सिंह का सोचत रलन तर्ज बातें बहाद मुन्ना आजकल शारदा सिन्हा का कैसर बड़ा जोर पकड़ ले बा वही गीतन में से थे गीत बाई वाह बा पतना से बैदा बोलाईदा पटना से बैदा बोलाईदा नजुरा गई बोनिया दलपत सिंह का कहना रहल के खाली जमीन घेरवाएला खाली जमीन घेरवाएला किए बाबू ये लनावा खाली जमीन घेरवाएला किए बाबू ये लनावा खाली जमीन घेरवाएला किए बाबू ये लनावा अपने लोगों से कह दिए वो बंजर जमीन कब्जे में लेना है विचार रहल उनकर चक्कापट्टी में एक चक्की गड़वाई वहाँ छोटा सा अच्छे बिजनेस करे के बाहम के दलपत सिंह कहलन है चक्कापट्टी में एक चक्की गड़वाई बगले में एक बोरिंग करवाई तो फोकट के माल हाथी आएला कि ये बाबू ये लनावा हाँ
लोगन से कह देलन की जमीन पर कब्जा करना हो तो यहाँ तर्ज बदल गए थे भैया, तर्ज बदल गए थे दुल्हन जोन बा पिया परदेसी रहल, इतना परेशान रहलू, इतना परेशान रहल, हम देखत रही कितना परेशान रहल। उस सहेलिन से कहत बाम कि हमका चिट्ठी मिलल बा चल दे हुआ वहां से। कहत बा कैसे के कलकत्ता तमाम से आवेला हमार पियावा, कलकत्ता से आवेला हमार पियावा, कलकत्ता से आवेला हमार पियावा, के अधिकार जबरी बिनता है हर जनन के अधिकार जबरी, बिनता है हर जनन के अधिकार जबरी। तुरंत भैल का इधर प्रधान जी आमंत्रण कर दलन तो हरिजन मकान बदने खोद बहुने नई में दल पसिंगई ता भर बहुने ने खोदा गईल और अम्मन जोन माम खोदले हरिजन ने आईता भरल बाबू दलपत सिंह के। यही से कहना हो नफरत से झुके नहीं प्यार जबरी। लोग चलन है हरिजन बस्ती के लोग प्रधान जी के दरवाजे पर गयलन और कहलन है मुखिया पहुंचे है हरिजन मुखिया मूरत के भावना जाके कलन की बाबू प्रधान जी ऐसन बात बाकी जोन जमीन आप मने के बतले रला वो जमीन में हम लोग मकान बनवा बदे ने खोदवली आ ने खोदल गेल ईटा भरत बा बाबू दलपत सिंह के। इतना सुन के प्रधान जी कहलन के होई है पंचायत मुखिया कहले देही छना ललकार के कहलन है के पंचायत होई अपने क्षेत्र के प्रतिष्ठित लोगन के जुटाई आ सुना न्याय होई कहे ललकार जबरी। अरे न्याय होई कहे ललकार जबरी छीनल चाहे हरिजन अधिकार जबरी, शर्मा साउंड शर्मा। ओ समय ऐलान कर देलन है प्रधान जी तक कहना हो ब्रादा हाय अरे पंचायत पानी पानी कर दिया तो मुखिया मुखिया मूरत यादा नहीं बेईमानी हो पंचायत पानी पानी कर दिया। चालू कर देलन पंचायत में कहलन है लोगन के सामने बाबू दलपत सिंह भी बुलवावल गेलन तक कहलन का कहे राम मूरत प्रधान कहे राम मूरत प्रधान ये सुन लो राय हमारी है खास माल सरकार कहे संपत्ति का अधिकारी है। अरे घात कर रहे बाबू साहब गलती यहाँ तुम्हारी है, गलती यहाँ तुम्हारी है, गलती यहाँ तुम्हारी है। कहने लगे कि प्रमुख जी मैं शर्मिंदा हूँ आपकी बातों से आपके कारनामों से जो उम्मीद न थी आपसे 500 बीघे के मालिक होकर के भी 10 बीघे जमीन के लिए गरीबों की जमीन पर आप कब्जा लेना चाहते हैं ये बड़ी शर्म की बात है। कभी उम्मीद न थी प्रमुख जी को कि प्रधान जी मेरे खिलाफ ऐसे बोल सकते हैं इसलिए कि परम मित्र थे प्रमुख जी के प्रधान जी। वाह वाह देखे गाना कई मोड़ लेगा
और बड़ी अच्छी कहानी है। प्रधान जी का फैसला सुनकर के प्रमुख जी तुरंत कहने लगे, यहाँ तर्जमा छप रहिया, बड़ी पुरान तर्जमा मगर फिर भी आज भी अमर हो सकता बा। इधर लाल रोड के बगल में देवरहवा बाबा का स्थान बाम, अवहाम औरत जब सब जालिल जवने औरतन के तही लड़का उड़का होए में देरी होले, भीड़ होए शुरू हो जाले। अरे भाई गौना से एक आध दो साल बीतल आ लड़का नहीं भर तब चालू हो जाले शिकायत। यहाँ वहाँ दौड़े लगे देही पर तर्ज आधारित बाम, के बहुते बहुते दीना नमासे अरे ला सरा लगा वाली ले देवरा प्रमुख जी कहलन है क्या मूरत वाली बतिया साले अब दाल पति के छतिया काहे निरमोहिया भाई कहे तुह के बनवली हम प्रधान कहे निरमोहिया भाई कालन की इतना रियाज कह लिए तोरे प्रधानी के चुनाव में तमाम हर और खर्चा कह के लोगन के मिला जुला के तोके और दीवा के प्रधान बना दिली। आ तू हमरे खिलाफ बोलत हुआ ऐसन कह जात हो देखे बड़ी शिक्षा के बात हो। कुछ लोग लोगन के मदद कह के जिता के उनसे गलत काम करावल चाहत हो मगर फिर भी ये देखे ई प्रधान जी जब फैसला सुना दिलन तो प्रमुख जी कहलन है के हो के प्रधान काहे भोखवा कमाला तोहरे प्रधानिया के करब हम दीवाना। तो सुन ला हमार चैलेंज हो प्रमुख जी कहलन है पंचायत के अंदर के बनिया उतर बे तोहरे अरे बीचया हिरानिया काहे निरमोहिया भैया अरे बीचया हिरानिया काहे निरमोहिया भैया बीचया हिरानिया काहे निरमोहिया भैया अब ही से बतिया ले बमान काहे निरमोहिया भैया अब ही से बतिया ले चेतावनी दे रहा हूं तुम्हें कान खोल कर सुन लो अगर मेरी मर्जी के खिलाफ कोई काम सोचाम या कदम उठाम तो कल यादों की बस्ती में तमाम लाश पे लाश ही तुझे दिखाई पड़ेगी। देखें बाद में ये कहानी दूसरे ढंग से मोड़ ले ली ये समझ लो मां बाबू दलपत सिंह चैलेंज कर देलन कालन है तगा किए हो तगा किए हो मैं इसका मजा चखा दूंगा अरे हिरानी के बीच में मैं लाशों का ढेर बिछा दूंगा कल लाश पर लाश दिखाई पड़ेगी हम। इतना सुनते ही मूरत यादव प्रधान भी जोश में आ गए प्रमुख जी अपने आदमियों से कह दिए
सब लोग तैयार हैं लाठी लेकर के। उस समय प्रधान जी अपने बस्ती के लोगों से इशारा करते हुए कहते हैं, अरे यादव, अरे यादव, इनको पानी दिखा दो, दलपति का बल दल दल में मिला दो, अन्याय का आज दीपक बुझा दो, हकदार का उनको हिस्सा दिला दो। लोग से ललकारते हुए कहे, आप लोग चुपचाप बैठे हैं, अन्याय के खिलाफ लड़ना कोई जुर्म नहीं होता, तैयार हो जाइए आप लोग भी। प्रोत्साहित करते हैं मूरत यादव प्रधान अपने लोगों को, लोगन के प्रोत्साहित कैलन, जोश भरलन और कहे लगलन, ये जगो यादव हो, जगो रे यादव, लेके बजरंग का नाम जगो जगो यादव, जगो यादव, के यादव थे वीर लोरिक मुलागत को पछारे, यादव थे वीर बचौधे के शेर को मारे, यादव थे वीर बचौधे के शेर को मारे, यादव थे वीर शिवाजी अकबर को हिलाए, अकबर के जमाने में छत्रपति कहाए, बन करके दया राम जगो जगो यादव, जगो यादव, प्रोत्साहित किए, दोनों तरफ से फौज तैयार हो गई, लाठी ले लेके लोग जुम गईलन। तैयार तर्ज वही बात जो उनकी परशुराम भैया सुनो ले रहलन, कवन तर्ज सुना सुना है, ये तर्ज वही बात जो उनकी आप लोग सुनोला है, क्या कौन कर नवा, कौन कर नवा, सहारा भागे पिया पपिया के बोलिया जा, पपिया के बोलिया जहर लागे, पिया पपिया के बोलिया जहर लागे, सहारा भागे पिया पपिया के बोलिया जहर लागे, पिया पपिया के बोलिया जहर लागे। जय सर लागे वीर बल्लम यो भाला चुमा, वीर बल्लम यो भाला चुमा लागे, वीर बल्लम यो भाला चुमा लागे, वीर बल्लम यो भाला चुमा लागे। तो बाबा, अरे कबरी जुट गए तमाम रघुवंशी, लाठी पर लाठी चलावे जादू, लाठी पर लाठी चलावे जादू, लाठी पर लाठी चलावे जादू। जब एकदम लाठी चले के नौबत आ गई, तीनों बिरादरी वहां जुटल बा, इधर रघुवंशी और यदुवंशी में लड़ाई हो, यादवन के ओरी हरिजन भाई लोग खड़ा हुए, जब मार होए के नौबत आ गई तो खतरा के देख, खतरा के देख हरिजन भागे वीर बल्लम यो भाला, हरिजन भाई लोग नहीं बल्कि जेके वो जमीन मिला लालू जोन बाप पंचायत से भागे लगल, दौड़ा के हरिजन पकड़ ले लन,
अरे यार अजीब आदमी हुआ, तोरे बदले प्रधान जी मार करे जा तो ना, तू भागत हुआ यहाँ से। कलम की छोड़ा मुंह फुकावे गल जमीन हमके न चाहिए। जे 5 रुपए का पुरस्कार, 4 लाठी चलल दोनों वरी से। अपन अपन ताकत समझ गेलन लोग, ई समझ गेलन कि हमसे वो कमजोर नहीं हुन, आ वो समझ गेलन कि हमसे ही कमजोर ना हुन, बराबरी का मुकाबला रहल। ऐसे दोनों दल बिना छोड़ौले जोन बा अपने अपने ओरी घूम गए, घरे चल गेलन लोग। मगर केस लागू हो गई तो भारी के जमानत छूट तारा हीरा नावा हो। धीरे धीरे बीती गई ले दूसरा महीना, कैया चरावत रहने अहिरन के छोकारा हो। पाई के अकेला मरल ठाकुर के लाला नाम। एक दिन संयोग से गैया चरावत के यादव कलरिका चौखंबा बस्ती के करीब पहुंच गल। आय के बाबू दलपत सिंह कलरिकाओं के 3-4 थपरा मार दिलन। लौट आयल, कुछ कह नहीं पौलिस, मगर दिल में करे बात तो याद रहल। संयोग से एक दिन मौका पौलन है कब, रक्षा बंधन के अरे त्योहार आई गई ले। दलपति के बेटी कैली नहीं हर के पाया ना। देखा ना यही राजा बा चक्का पट्टी वाले दाबा, रिक्शा घुमाउले प्रधान के भावना। बाबू दलपत सिंह कलर की रक्षाबंधन के त्योहार के अवसर पर राखी बांधे बदे जात रहल। तबले इधर चक्का पट्टी वाले कालन की, अच्छा मौका मिल गया हो आज, ए रिक्शा वाले रिक्शा ले चल प्रधान जी के द्वारे। घुमा के रिक्शा गल, लड़की घबरात बा, तरह तरह के बात सोचत बा, तर्क वितर्क में बा। ऐसन हो वैसे तो प्रधान जी हमरे बाबू का बड़ा बढ़िया मित्र रलन, दोस्त रलन, मगर जितने दोस्ती रहा आजकल उतने दुश्मनी हो गई बा। हमरे साथ गलत में पेश आवे लोग, घबरात बा। वो समय प्रधान जी के द्वारे जब रिक्शा से पहुंचले लड़की, प्रधान जी वो लड़की से एक बात कहलन है, ध्यान से सुनेंगे, बड़ी मौके की बात है। प्रधान जी कहे क्या, हाय अरे परान से अब परान से बढ़ के बाटाई मनावा बिटिया रानी हो। और शर्म के मारे झुक गई ना गर्दनवा बिटिया रानी हो। कालन की बिटिया बहुत घबराई नजर आवत हो, घबरा मत, हम खुद शर्मिंदा हैं अपने बस्ती के लड़कन से जोन तोरे साथ कैलन, जबरदस्ती तुहार रिक्शा घुमा के लिए एलन। ऐसे हम बहुत बहुत शर्मिंदा हैं, मगर सोच ला परान से बढ़ के बाटई मनवा बिटिया। कैसा रोड दा भैया गाड़ी बैठन बस है से, अब परान से बढ़कर बाटई मनवा बिटिया रानी हो। और शर्म के मारे झुक गई ना गर्दनवा बिटिया रानी हो। बड़ी भाग्य बाप ये बात कह के गाड़ी रुक गई, बैठ जा। ओ समय कालन की ये बात कह के खुशी बाप दुख बा की लड़का जोन हो तो आ रिक्शा जबरी घुमा ले लन। एक बात कह के खुशी भी हो कि हमार बिटिया धर्म का बिटिया जेके की बड़ा प्यार से हम बचपन में खिलौली आज हमारे दरवाजे पर आई हो। तो सुना बंद कर दो बंधन के त्योहार है तुझे मनाना हो। अहिरानी का बच्चा बच्चा तेरा जाना पहचाना हो। बड़ी देर हो गई बिटिया, रक्षाबंधन का त्योहार हो आज, चक्का पट्टी जाए में तोहके बहुत काफी समय हुई, तो हमारी इच्छा हो हम धर्म का बाप है तुहार, धर्म का पिता हमके समझ के एक राय हमार मान ला। अहिरानी के बस्ती का तमाम लड़का खड़ा हुन और सब तुहार धर्म के भाई हुन, कौनों के चुन के राखी बांधा। अरे इसी में चुन लाया पर तू भी रानी हो। ओ बाधा
के राखी कैला पानी दनवा बिटिया रानी हो। यही में केहू के सुन के अपन धर्म का भाई बनाला। जब इतना बात सुनलीन है प्रधान जी के बिटिया प्रभावित हो गेलीन। अब प्रभावित हो के कैलिन है का प्रधान के बेटवा के हाथे बाधी प्रेम के धागा हो। धर्म का भाई बना लिया मूरत के प्रेम और जागा हो। राखी बांध ली नहाते में प्रेम से मिठाई खिलवली है। एकरे बाद अब भोर भास करी खोला न जब नया नवा बिटिया रानी हो। और प्रधान के द्वारे पर गजल खजा नवा बिटिया रानी हो। सवेरा भेल मूरत यादव प्रधान लोगन से कहलन की अपने बस्ती के लोगन से कहलन है कि हम अपने धर्म के बिटिया के पहुंचावे चलते हैं, विदाई करे चलते हैं। वाह वाह, इतना सुनते ही हर घर से हर परिवार से लोग जो नाम सामान प्रधान के द्वारे इकट्ठा कर देलन। इतना सामान इकट्ठा कैलन कि बैलगाड़ी मंगावे के पड़ल। तो कहना हो के बिटिया के बाधा जमने खूटा बाधी जाई है। बिटिया का जाओ सामान पगी पे बिठा के बैलगाड़ी पे लदाऊंगा। बिटिया लिया के चली भैला पराधा। बस्ती के लोग कलन की इतनी बढ़ियार दुश्मनी हो अकेल जात हुआ वहां कलन की सब लोग चुपचाप रहें भैया रहें कोई न बोले। मैं अपनी धर्म की बिटिया को पहुंचाने जा रहा हूं। यहां कोई पार्टी बंदी और गुटबंदी से मतलब नहीं है। लिया के चल देलन हैं तो बग्गी पे बिठा के बैलगाड़ी पे लदाऊंगा। बिटिया लिया के चली भैया पराधा। दलपत के दुआरवा उतारन समली सामान उतरलन है। कहलन है कि सोच लाम दोसे देराय के नाम बल्कि संधि करे बदे के नाही। ऐसे आयल है कि बिटिया तोहार हमारे बेटी के समान। तोहार बिटिया हो तो हमार बिटिया हो यही से हमें के लिवा के आयल है। एकर इज्जत करके तो सुना बिटिया हमार तुहरे बेटी का मगर दुश्मनिया के अंत नहीं हुई है। मनी हमार तुहार वैसे रही जैसे रहल मगर दुश्मनी के अंत नहीं होई है। नहीं रही है बंजर पे तुहारो मकान होई हमारा दतब यहा बिहनवा। इतना कहा तो चली भैला पराधा। कहलन कि हमार फैसला वही रही हमार तुहार दुश्मनी वही ढंग से रही। सुनते जोन मान लाल के लाल ने नकर छत्ती बोले यादव को ललकार घेर लिए। मूरत यादव को 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 घेर लिए। आज जब घेर लिए तो उस दम लड़की की आप पुकार उनसे पहले हमसे मारा। उनसे पहले हमसे मारा। उनसे पहले हमसे मारा। उनसे पहले हमसे मारा। भी गोली चलाने की कोशिश की तो समझ लीजिए प्रधान जी के साथ ही हमारी अर्थी उठेगी। सब लोग ठप हो गए एकदम घबरा गए। बाबू दलपत सिंह कहती है कि शर्म आनी चाहिए। सुनिए प्रधान जी सच्चे इंसान आप किए हैं जो बेईमानी। हरिजन की वो बस्ती यार लड़की की जब सुने बात वह अरे बाबू जी बड़े शर्म की बात है कि आप 500 बीघे के मालिक होकर के जमींदार होकर के थोड़ी सी जमीन के लिए गरीबों के जमीन पर कब्जा लेना चाहते हैं। ये बड़ी शर्म की बात है। वो नेक इंसान है उन्हें कुछ मत कहिए। उस समय जो है आखिरी भाव रहा बिहारी गुरु रामबल दलपति को गले अरे रतन लाल को श्याम अपना सीसा झुका रहे हो।